नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कल लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था, उस दौरान विपक्ष जो है जमकर हंगामा काटती नजर आई। पूरे अगर आप कहेंगे कि सदन में सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी और सिर्फ चीखना चिल्लाना चल रहा था जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला था तो उन्होंने 90 मिनट 100 मिनट जो है बिना किसी दिक्कत के जो है वो बोलते नजर आए थे। अब ऐसे में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष बेल में चली आई। अब ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दरअसल एक नहीं दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक तरफ ये कि विपक्ष को किस तरीके से राहुल गांधी द्वारा इशारा करके बेल में जाने के लिए कहा जाता है, हंगामा करने के लिए कहा जाता है, और इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के बेल में आने से स्पीकर जो है काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और कहा था कि सदन की गरिमा को बनाए रखे और विपक्ष के नेता को इस तरीके से बेल में आकर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, जो उनके सांसद हैं, उन्हें इशारा करके बेल में जाकर प्रदर्शन करने के लिए कहते नजर आए। और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर राहुल गांधी को इशारा करके उन्हें बेल में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में रुकावट पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं देना चाहते थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही जो है परेशानी और व्यवधान क्रिएट कर रहे थे ताकि प्रधानमंत्री को बोलने का मौका नहीं मिले, उन्हीं विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी पिलाते नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये वीडियो देखने के लिए मिला जहाँ पर जो है विपक्ष के जितने सांसद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है पानी रखा रहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पानी जो है ऑफर करते हैं। पहले तो मना करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जब बहुत देर तक पानी उन्हें ऑफर करते हैं तो वो पानी ले लेते हैं और उसे पी लेते हैं, जिसके बाद लोग इसे वीडियो साझा कर रहे हैं और कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को पानी पिला दिया, जहां पर वो पानी भी पिला रही हैं, अपना भाषण भी दे रही हैं और जो भाषण रोकने के लिए आए हैं उनके प्रति जो है उनकी भावना भी देखने के लिए मिल रही है, जहां पर उन्हें पानी जो है उनके द्वारा ऑफर किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है, प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है, तरह तरह की बयानबाजी जो है वो इस वक्त की जा रही है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी को लेकर किस तरीके की अगर आप कहेंगे कि प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। अजीत भारती लिखते हैं, तो ये जो है धूर्त व्यक्ति सांसदों को स्पीकर के सामने वेल में जाने के कह रहा है। राहुल गांधी को संसद के नियमों का कोई लोड नहीं है, वह हर नियम तोड़ेगा और नेता प्रतिपक्ष की गरिमा शपथ से पहले ही इसे गिरा चुका है। ये डरपोक और ऐसा व्यक्ति है जो योजना बनाकर पीछे रहता है। अब देखिए किस तरीके से लोग जो है राहुल गांधी के इस कृत्य को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद राहुल गांधी का इस तरीके का कृत्य, राहुल गांधी का जो है इस तरीके का बयान या चीज़ें जिस तरीके से वो कर रही हैं कि इशारा कर रही हैं कि वेल की तरफ जाओ, वेल की तरफ जाकर हंगामा करो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन है, ऐसे में राहुल गांधी को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की जो आप कह सकते हैं कि जो आप इशारा करते हैं कि आप उधर जाओ, वहाँ पर जाकर वेल में जाके हंगामा काटो, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। वही इस मामले पर लगातार, जैसा कि हमने आपको कहा कि रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं, इस मामले पर जो है लगातार प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में एक और वीडियो जो है सागरिका जैन मित्तल द्वारा भी शेयर किया गया है। सागरिका ने भी, आपको बता दें कि बीजेपी की एक्स स्पोक पर्सन है, उन्होंने लिखा है, नेता विपक्ष बालक बुद्धि राहुल गांधी की हरकत देखिए, कैसे अपने सांसदों के पास जाकर वेल में जाने के लिए कह रहे हैं ताकि पीएम मोदी के भाषण में बाधा डाली जा सके। वहीं एक और व्यक्ति ने इसी वीडियो को साझा किया और फिर उस तरीके से वो भी लिख रही है कि आखिर राहुल गांधी को हो क्या गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद जो है वो इस तरीके से जो है रिएक्ट नहीं कर रही है, उनकी जो संसद की जो गरिमा है वो उन्हें बनाकर रखनी चाहिए, आखिर यह किस तरीके का उनका व्यवहार है। वही शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से दो कंट्रास्ट पिक्चर्स देखने के लिए मिले, एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो है अपने सांसदों को नियमों को तोड़ने, उनका उल्लंघन करने के लिए और वेल में जंप करने के लिए इशारा कर रहे हैं ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को जो है खराब करते रहे, उनके स्पीच को शुरुआत से जो है डिस्टर्ब करते रहे। वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों को पानी पिलाते नजर आ रहा है। आखिर डिक्टेटर कौन है, राहुल गांधी को आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन बनना भी चाहिए या नहीं, यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि
पानी ऑफर किया सांसदों को, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस पर लोग प्रतिक्रिया दे रही हैं। लगातार जो है कई सारे पत्रकारों ने इसे साझा भी किया है। आज तक ने इसे साझा करते लिखा, अपने भाषण के दौरान विरोध में नारेबाजी कर रहे विपक्ष सांसदों को पीएम मोदी ने दिया पानी का ग्लास। उसके बाद एक और आपको बता दें कि व्यक्ति ने लिखा है, जब पीएम मोदी सदन को संबोधित कर रहे थे तो विपक्षी सांसद वेल में आकर उन्हें रोकने के लिए चिल्ला रहे थे। जवाब में पीएम मोदी ने उन्हें पानी ऑफर किया। ऐसे ही नहीं, हम उन्हें पसंद करते हैं, दिलों पर जो वो रास करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर अमन चोपड़ा जो है वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने लिखा, पानी पी पी कर सुना तो था देखा भी था, लेकिन पानी पिलाकर सुनाना पहली बार देखा है। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो को साझा करते हुए एक और पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से लिखा है। उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से जो है रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रही हैं, लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि विकास भदूड़िया जो है, उन्होंने भी इस वीडियो को साझा किया, लिखा है, प्रतिद्वंद्वियों से प्रेम की तस्वीर। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग तरह के राजनीतिक संस्कार की बनामगी पेश की है। पीएम मोदी जो है पीएम ने वेल में नारेबाजी कर रहे विपक्ष के सांसदों को अपने गिलास से पानी पिलाया। ये उस वक्त हुआ जब विपक्ष के सांसद पीएम मोदी के भाषण में बाधा डाल रहे थे। तो अब देखिए, लगातार जो है लोग इस तस्वीर को साझा करते हुए अपने इस पर जो है बातें कह रही हैं और कह रही हैं कि इस तरीके से चीजें देखने का मिला। एक और व्यक्ति है आशीष चतुर्वेदी, उन्होंने भी इसे पोस्ट करते हुए लिखा, प्रतिद्वंद्वियों से प्रेम की यह तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही ग्लास से अपने ही खिलाफ नारेबाजी कर रहे सांसदों को पानी पिलाया। एक और व्यक्ति लिखते हैं, आज के दिन लोकतंत्र का सबसे बढ़िया वीडियो है, पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान वेल में नारेबाजी कर रहे विपक्ष के सांसदों का गला सूखता देख अपने ग्लास से उन्हें पानी ऑफर किया। और यह उस वक्त हुआ जब विपक्ष के सांसद पीएम मोदी के भाषण में ही बाधा डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोग इस दोनों सिनेरियो को जो है कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो किस तरीके से जो है एक आचरण रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद अपने ही सांसदों को नियम तोड़ने के लिए भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीर और दोनों ही लोकसभा से आई है और दोनों ही दो नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार इन तस्वीरों और वीडियो को साझा करके लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं और राय देते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ जो है कहा भी था लोकसभा में, वो काफ़ी कुछ कहते नजर आए थे। राहुल गांधी की खटाखट स्कीम को लेकर भी उन्होंने काफ़ी बयानबाजी की थी और कहा था कि अब तो जुलाई से इनके खटाखट स्कीम जो है शुरू हो जाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर काफ़ी कुछ रिएक्ट भी किया था, रिएक्शंस भी दिया था, क्या कुछ और कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा एक बार आप सुन लीजिए। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए, इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया, माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ, इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ उन्होंने जमकर बयानबाजी जो है की है, और इस दौरान विपक्षी सांसदों को वो पानी पिलाते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को हमने आपको विस्तार से बताया, इस मामले पर आपकी भी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।